बैक टू माय किचन। हलवे तो आपने कई तरह से खाए होंगे, सूजी का, सब्जियों का, घी वगैरह का, और बेसन और उसका गाजर का हलवा। लेकिन मैं जो आज आपको हलवा बता रही हूँ बनाने के लिए, वो ब्रेड हलवा जो जस्ट 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, इंस्टेंट बन जाता है। जब जी चाहे आप बना सकते हैं इसको। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो इस प्रकार है। ये देखिए 4 से 5 ब्रेड मैंने लिए पीसे। ये आप कोई से भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं। और उसके अलावा ये चम्मच का मैंने नाप रखा है 1 टेबल स्पून। ये मैंने 2 टेबल स्पून चीनी ली है, 2 टेबल स्पून के करीब हम देसी घी डालेंगे, 2 टेबल स्पून ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। और हम ये ड्राई फ्रूट में किशमिश, काजू लिए, 2 छोटी इलायची ग्रीन वाली पीस के रखी हुई है, और 150 मिलीलीटर के करीब हमने दूध लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेड को तोड़ेंगे। इसके ये साइड नहीं निकालेंगे, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल ली। तो ऐसे सारे ब्रिक ब्रिक करके सारे इसको हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए तोड़ लिए। अब हमने एक कढ़ाई हमने गैस पे रख दिए। तो सबसे पहले इसमें हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। घी पिघल गया, अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट किशमिश और ये काजू डाल देंगे। थोड़े से हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। ड्राई फ्रूट भूनने के बाद अब हम इसमें ये ब्रेड डालेंगे। भूनने के बाद मीडियम आंच पे इसको कम से कम हिलाते हुए 5 मिनट तक इसको कलर आने तक भूनेंगे। अगर आप कलर ज्यादा रखना चाहते हैं इसका ब्राउन, तो इसको ज्यादा भूनिए। अगर कम रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम भूनिए। तो मैं इसको 5 मिनट लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। 5 मिनट के बाद भूनने के बाद अब हम ये 2 टेबलस्पून वाला मिल्क पाउडर ये डाल देंगे। साथ में ये 2 इलायची है हमारे पास पीसी हुई, वो डाल देंगे। चीनी है, अगर आप ज्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूध है हमारे पास, वो डाल देंगे। चलाते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि एक साल हो जाएगी, और जब तक दूध ना सूख जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। मैंने इसको भून लिया है, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हम घी और थोड़ा सा डालेंगे इसको, और इसको आधा मिनट के करीब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, 10 मिनट से भी कम समय लगा। पैन छोड़ना शुरू कर दे तो इसकी निशानी होती है ये बन चुका है। तो अब हम गैस बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर दे, इंस्टेंट ब्रेड हलवा बनकर तैयार हो गया। अब इसको आप गार्निश कर सकते हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट के साथ। टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड हलवा बनकर तैयार है। तो आप बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में लिखिए आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।